अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह सब आप सभी कोई अच्छे हों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सब बखैर सर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, जो आप देखिएगा तो आपको देखते ही खाने का मन करेगा। तो आज मैं बनाऊंगी चना दाल को मैंने भिगो के, कम से कम इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिए थे, तो पानी में बहुत अच्छे से ये फूल चुका है, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो अब इसको हम पीस लेंगे, मिक्सी जार में इसको पीसेंगे। तो आज आप लोग समझ ही गए हैं कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो कढ़ी पकौड़ा। तो इसको अभी हम जार में इसको पीस लेते हैं। तो ये रहा हमारा जार और ये रहा हमारा चना दाल। तो चना दाल से हम बनाएंगे। आप मसूर दाल का भी बना सकते हैं, मूंग दाल का भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप बेसन से भी बना सकते हैं। तो हम चना दाल को सभी को हम डाल लेंगे जार में। तो हमने सभी चना दाल को जार में डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें प्याज को। मैंने बहुत अच्छे से छील लिए, कट कर लिए हैं। कट करने के बाद प्याज को मैंने पानी में धो के पानी में डाल के रखे हैं प्याज को। और इसको अभी हम इसमें चने दाल में एक डाल देंगे, एक पूरा गुट्टा। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा, प्याज डाल के बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक प्याज हम डालेंगे इसके अंदर। तो चने दाल का पकौड़ा में हमेशा प्याज और 4 से 5 हरी मिर्ची को डाल देंगे, ताकि हमारा बहुत ही अच्छा बने, सॉफ्ट बने और थोड़ा सा तीखा और चटकारा बने। तो अभी इसको हम थोड़ा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। हमने चना दाल और प्याज और हरी मिर्च को मैंने साथ में मिक्स करके पीस लिए हैं। तो बहुत अच्छे से पिसा गया है। अब इसको निकाल लेते हैं 1 बर्तन में। तो इस बॉल है, इस बॉल में हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। चने दाल का पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है, बेसन का भी अच्छा लगता है। बहुत लोग बेसन का ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन चना दाल का बनाइएगा तो और अच्छा लगता है खाने में। तो इसको हम पोंछ के सभी को निकाल लेंगे। तो हमने जार से सभी को खाली कर लिए हैं। अब ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हमारा मिक्सी में पिसा चुका है। तो अब इसमें भी हम डाल देंगे अजवाइन, थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अजवाइन से हमारा बहुत ही अच्छा, मतलब ये हाजमा के लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे और इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो छोटे चम्मच से डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और डाल के इसको, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक थोड़ा अच्छा से डालना है, कम नहीं डालना है, अच्छे से डालना है, क्योंकि नमक हमारे घर में बहुत तेज़ नमक खाते हैं और मैं बिल्कुल नमक कम खाती हूँ। तो अभी मैं नमक डाल दिए, डालने के बाद इसको मिला लेते हैं, सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसको मिक्स करके अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसी जार में हम पीसेंगे जार, ये दही है, दही को हम पहले अच्छा से थोड़ा सा फेंट लेंगे। ये घर का दही है, घर में बैठाए थे वो वाली दही है। तो आप घर में 1 गिलास रोज़ बैठाइए और रोज़ यूज करिए। तो इसको हम डाल देंगे जार में। तो मैंने सभी को डाल दिया।
अब इसमें डाल देंगे हम बेसन, बस एक एक डब्बा हम डालेंगे बेसन। दही को और बेसन को हम जार में डाल दिए हैं और इसको हम एक बार मिक्सी जार में घुमा लेंगे। तो हमने दही और बेसन को खूब अच्छे से मिक्सी जार में फेंट लिए हैं। इसका आप बनाइएगा ना ऐसे करके कढ़ी, तो बहुत अच्छा से मतलब बनेगा। ऐसे हाथ से बहुत लोग बाद में दही डालते हैं, बेसन डालते हैं, आप एक बार दही और बेसन को एक साथ जार में आप डाल लीजिएगा ना, तो इसका कढ़ी बहुत अच्छा बनता है। तो ये भी हो चुका है, चना दाल भी हमारा पिसा चुका है, दही और बेसन भी हम इस जार में घुमा लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट गैस की तरफ। तेल हमारा गरम हो चुका है, कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं और तेल हमारा गरम हो गया है। तो हमने रिफाइंड तेल डाले हैं, तो रिफाइंड तेल में हम पकौड़ी को छान लेंगे। इसमें अभी हम कुछ ऊपर से प्याज नहीं कटिंग करके डालेंगे, इसलिए कि हमने प्याज को हरी मिर्च को पीसे हैं तो हम ऊपर से नहीं डालेंगे। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं, छोटा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बड़ा बड़ा भी बहुत लोग बड़ा बड़ा बनाते हैं कि अच्छा लगेगा, हम छोटा छोटा बनाएंगे। तो आज बन रहा है हमारा लंच में कढ़ी, चना दाल का कढ़ी। कढ़ी तो हर कोई को पसंद है, सबको पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। तो इसको हम ये एक एक करके सभी को हम डाल लेंगे। हम सभी को डाल लिए हैं, अब एक मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे नहीं। अब इसको हम पलट लेंगे, खूब अच्छे से धीरे धीरे करके पलटेंगे ताकि हमारा पकौड़ा टूटे ना। पकौड़े को हम थोड़ा सा चला लेंगे और चलाने के बाद अभी इसको हम निकाल लेंगे। इसमें हमने खाने वाला सोडा नहीं डाले हैं, आप डाल सकते हैं। अगर खाने वाला सोडा डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ऐसे भी सॉफ्ट बनेगा, नहीं भी डालेंगे तो भी सॉफ्ट बनेगा। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं, हम इसको ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। तो इसको सभी को हमको निकाल लेना। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ आप पकौड़ा को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम बाकी का भी डाल देते हैं पकौड़ा को। सभी को हम डाल लेंगे। तो ये पकोड़ा कढ़ी बहुत दिनों के बाद बन रहा है। संभावना जी बराबर बनाती है कढ़ी, बहुत अच्छा बनाती है। उनका हम वीडियो मुझे बहुत पसंद आता है, संभावना और अविनाश का बहुत अच्छा जोड़ी है, और दीपिका स्वेप के भी जोड़ी बहुत अच्छा जोड़ी है। उनकी फैमिली बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम हमेशा देखते हैं। मैं उनका वीडियो दोनों जोड़ी का मैं देखती हूँ, संभावना का भी, अविनाश का, दीपिका और स्वेब भाई का। मुझे बहुत पसंद आता है उनका वीडियो, बहुत अच्छा है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनका मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये अभी हमने सभी को डाल दिए हैं, डालने के बाद इसको हम एक मिनट तक थोड़ा सा चम्मच अभी नहीं चलाएंगे। अब हम पकौड़ा को चला लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सभी को पलट देंगे, एक साइड हम और पका लेंगे, एक साइड पक चुका है, दूसरे साइड भी हम पका लेंगे। अब हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से लाल हो चुके हैं, तो अब इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल लेंगे। तो हमने सभी को निकाल लिए, हमारा पकोड़ा बन चुका है। तो अब हम तड़का के लिए तैयारी करेंगे।
तो सभी पकोड़े को मैंने छान लिए हैं बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, अंदर से क्रिस्पी और सॉफ्ट है। तोड़ के दिखा देते हैं, एकदम फुलके फुलके बने, बिना खाने वाला सोडा मैंने नहीं डाला, फिर भी हमारा कितना अच्छा बना है। आप डाल देंगे इसमें तेल, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें हम तेल डाल देंगे, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस तड़का के लिए हम डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे पचफोरन, तो पचफोरन को हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं, इसलिए कि जल जाएगा मेथी तो इसे कड़वा लगेगा। साथ में डाल देंगे प्याज, प्याज डाल देंगे, एक बड़े साइज का प्याज था तो मैंने प्याज को डाल दिए। साथ में कड़ी पत्ता डाल देंगे, और साथ में हरी मिर्ची डाल देंगे, चार से पांच खड़ा हरी मिर्च डाल देंगे, और डाल के इसको चम्मच से हम चला लेंगे तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। बहुत लोग प्याज नहीं डालते हैं, सिर्फ तड़का में फ़ोरन डाल के और हरी मिर्च कड़ी पत्ता का डाल के प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं प्याज डालूँगी, इसलिए प्याज जब खाने टाइम ना मुंह पे पड़ता प्याज तो अच्छा लगता है, तो मैं प्याज डालूँगी, एक बड़े साइज का प्याज है इसमें डालूँगी। तो इसको हमको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा मुझे इसको हल्का से प्याजी कलर करना बस। हमारा प्याज भी लाल हो चुका है, आप देख सकते हैं, बस इतना ही हमको प्याज को पकाना है तेल में, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले, हल्के मसाले, थोड़ी सी लहसुन अदरक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, डाल के इसको हम चला लेंगे। थोड़ा सा लहसुन का महक निकल जाए, लहसुन और अदरक है उसका महक निकल जाए स्मेल। और इसको हम अब डाल देंगे इसमें मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डाल के इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। हल्दी थोड़ा हमारा पक जाए प्याज के साथ, इसको थोड़ा सा पका लेंगे, एक सेकंड दो सेकंड के लिए इसको पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने कढ़ी दही और बेसन को मैंने मिक्सी में पीसा था, वो उसी को डाल देंगे। जार को थोड़ा सा हम पानी डालेंगे डाल के। अब इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं, पानी डालें, आपको जितना पानी रखना है, पतला थोड़ा गाढ़ा रखना है तो चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पतला रखेंगे तो अच्छा रहेगा चावल के साथ खाने के लिए। तो अभी इसमें भी हम डाल देंगे नमक, डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो नमक थोड़ा सा अच्छे ही से डालेंगे, नमक कम नहीं होना चाहिए, तो मैंने नमक डाल दिए, डाल के हमको चला लेना अच्छा से। तो इसको हम थोड़ा खोलने देते हैं, थोड़ा सा उबाइल हो जाएगा तभी हम डालेंगे। तो हमारा कढ़ी बॉयल हो रहा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे पकोड़े, सब डाल देंगे। तो इसको हमने नमक दही बेसन थोड़ा सा हमारा पक जाए बॉयल होने के बाद, तो उसके बाद ही हम पकोड़ा डालेंगे। तो इसमें भी हम डाल देंगे पकोड़े, डाल के इसके बाद हम इसको चला लेंगे। तो इसको 5 मिनट हम इसको बस पकाना, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, 5 मिनट थोड़ा सा बॉयल हो जाए और पकोड़े के अंदर ये दही कड़ी जो है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए, तो इतना ही हम उसको पकाना है, तो हमको 5 मिनट पकाना है। तो इसको बॉयल होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं।
तो हमारा कढ़ी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको उतार देते हैं और उसके बाद मैं जीरा सूखी लाल मिर्च से इसका तड़का लगाएंगे। बन चुका है यह ते, तो अब इसको उतार देते हैं साइड में। तो हमने तावे पे हम तड़का लगाएंगे, तो हमारा तावा गर्म हो गया है और तेल हम डाल चुके हैं, सरसों का तेल। तो इसमें अभी हम डाल देंगे खड़ा जीरा डाल देंगे और साथ में सूखी मिर्ची डाल देंगे। सूखी मिर्ची है दो है, हम डाल देंगे 2 से 3। तो इसको हम थोड़ा सा तड़कने देते हैं, थोड़ा सा जल जाए हमारा, ताकि अच्छा लगे खाने में। आप ऐसे करके बनाइएगा ना कढ़ी, तो बहुत अच्छा बनेगा। मुझे कोई भी सिखाया कि ऐसे करके बनाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम अभी गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा खड़ा जीरा सूखी मिर्च अच्छे तरीके से भुना चुका है, हो चुका है। तो इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। तो ये था हमारा तड़का, देख सकते हैं तो बहुत अच्छा से। तो अब हम तड़के को डाल देंगे इसमें, सभी को डाल देंगे और अच्छे से डाल के, बहुत अच्छा लगेगा। डाल के इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये था हमारा कढ़ी पकोड़ा का रेसिपी। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।